हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। इन्हीं दोषों के असंतुलन से हमें सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं, और वह 3 दोष हैं वात, कफ और पित्त, जिन्हें हम त्रिदोष नाम से जानते हैं। वात अर्थात वायु, कफ अर्थात बलगम, और पित्त का मतलब कि जो रस हमारे भोजन को पचाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको पंच महाभूतों के बारे में बताया था, जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं, और वह पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। इन्हीं पंच तत्वों से ही त्रिदोष की उत्पत्ति हुई है। वात, कफ और पित्त, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, परंतु इसके असंतुलन से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। आइए हम इन 3 दोषों को अच्छे से समझते हैं। वात दोष अर्थात वायु का दोष, मतलब हमारे शरीर में गैस की प्रॉब्लम है तो उसे हम वात दोष कहते हैं। वात दोष आकाश और वायु इन दोनों तत्वों से मिलकर बनता है। शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां हमारे वात अर्थात वायु के कारण ही होता है, जैसे कि रक्त संचार होना। शरीर के अंदर जो भी खाली स्थान है उस स्थान पर वायु पाया जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार के मूवमेंट इसी वात अर्थात वायु के वजह से होता है। अगर आपका शरीर पहले से ही रोगग्रस्त है और अगर आपको इसके उपरांत वात दोष भी हो जाता है अर्थात गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो यह वात दोष आपके उस रोग को और बढ़ा सकता है। इसलिए वात दोष बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। यह एक रोग को बढ़ाकर दूसरे और भी अंगों पर उसका प्रभाव डाल देता है। आयुर्वेद यह कहता है कि लगभग सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिन मनुष्यों के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है उसे हम वात प्रवृत्ति वाला मनुष्य कहते हैं। वात का मुख्य स्थान हमारा पेट है। इसके अलावा छोटी वह बड़ी आंत, कमर, जंघा, हड्डियां, इन सभी जगहों पर वात का निवास होता है। वात का प्रारंभिक लक्षण हमारे शरीर में रूखापन का होना होता है, और वात अगर संतुलित रहता है तो हमारा रक्त और मलमूत्र का प्रवाह ठीक तरीके से कार्य करता है। जो वात प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनमें रूखापन, धीमी और भारी आवाज, दुबलापन, ठीक प्रकार से नींद न आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। वात प्रवृत्ति वाले लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, हर बात पर चिढ़ जाते हैं, किसी भी निर्णय को बहुत ही जल्दी ले लेते हैं। ऐसे कुछ आंशिक लक्षण वात प्रवृत्ति वाले लोगों में पाए जाते हैं। पित्त दोष। पित्त दोष जल और अग्नि इन तत्वों को मिलकर बना है। शरीर में जो तत्व उष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त होता है। यह हमारे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रण करता है। यह हमारे भोजन को पचाता है। भोजन और हवा से खून, हड्डी और मलमूत्र को बनाता है। मानसिक सभी कार्य पित्त ही करता है, अर्थात खुशी, दुखी, उत्साह, साहस आदि सब प्रकार का संचालन पित्त ही करता है। अगर पित्त में कमी आ जाए तो आपके पाचन क्रिया में कमी आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगा, आपका भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा। ऐसे लोगों को कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है, और जिन लोगों में पित्त दोष ज़्यादा होता है वे पित्त प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। पित्त का स्थान मुख्य रूप से छोटी आंत और पेट में होता है। अगर आपका पित्त संतुलित है तो पेट और आंत से जुड़ी सभी क्रियाएं ठीक तरीके से कार्य करेंगी, यानी
पेट और आंत की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पित्त वाले मनुष्य को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। उनका शरीर कोमल होता है, बाल जल्दी सफेद होने लगता है, मांसपेशियों में ढीलापन आने लगता है, पसीना मल मूत्र अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलता है और उसके शरीर के अंगों से बहुत ही तीव्र गति से बदबू आती है। यह सभी पित्त प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का लक्षण है। कफ दोष। कफ अर्थात बलगम। पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर यह कफ बनता है। कफ दोष हमारे शरीर के लिए बाकी इन दोनों दोषों से ज्यादा महत्व रखता है। कफ हमारे दोनों दोषों अर्थात वात एवं पित्त को नियमित रखता है और इससे हमारे सभी अंग पोषित भी होते हैं। इसके असंतुलन से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, मानसिक एवं शारीरिक कार्यों में गिरावट आ जाती है। कफ के गुण में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य करने की शक्ति, ज्ञान क्षमता, यह सब आता है। अर्थात अगर आपका कफ संतुलन में है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप संतुलित रहेगी। और कफ का असंतुलन आपके बाकी दोनों दोष वात और पित्त को भी असंतुलित कर देगी। कफ का मुख्य स्थान हमारा पेट और छाती है। इसके साथ साथ गर्दन, सिर, कंठ, हड्डियों के जोड़, यह सब भी कफ का स्थान है। दोस्तों, अगर हम कफ को नियंत्रण में रखते हैं तो हमारे शरीर के दोनों दोष स्वतः रूप से नियंत्रित रहेंगे और कफ के संतुलन से हमारा शरीर मजबूत, गठीला, सुंदर एवं सुडोल रहेगा। कफ हमारे शरीर को सुंदर बनाने में ज्यादा योगदान रखता है। तो दोस्तों, यह थी त्रिदोष अर्थात तीन दोषों का संक्षिप्त वर्णन। दोस्तों, आप त्रिदोष के बारे में क्या जानते हैं? अपना राय हमें अवश्य दीजिए। आपका राय, आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह त्रिदोष वाला वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं और जिन्हें इनकी जरूरत है उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।